नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, मेरा आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो इंटरनेट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो पर आधारित है, जिन वीडियो में आज के समय में, वर्तमान समय में केंद्र की सरकार की नीतियों से देशवासी किस तरह से परेशान है, किस तरह से हालात बिता रहे हैं। और एक तरफ जहां लोग परेशान है, वहीं दूसरी तरफ सरकार किस तरह से अपना चेहरा चमकाने में करोड़ों रुपए की बर्बादी कर रही है, उस पर केंद्रित है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर वायरल हो रहा है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वीडियो है एक टीटी का बताया जा रहा है। इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर फ्लाइंग टियर नाम के पेज से शेयर किया गया है, जहां एक टीटी जो कि बिहार के बताए जा रहे हैं, वो टीटी किस तरह से बिहार की ट्रेनों में भीड़ होती है, उसको लेकर 4-5 मिनट का पूरा ये वीडियो, उसमें अपनी राय वो दे रहे हैं। उसमें उन्होंने ये तक कहा है, इस वीडियो में कॉपीराइट का इश्यू है, इसके लिए वीडियो में यहां नहीं चला सकता हूं, लेकिन इस वीडियो में ये टीटी ऐसा कहते दिखाई दे रहे कि कौन कहता है कि मुंबई की लोकल में भीड़ है। त्योहार के समय आप बिहार की ट्रेन में चढ़कर देखिए। ये टीटी खुद अपनी व्यथा सुनाते हुए बता रहे कि टीटी के लिए एक सीट होती है, मैं खुद वहां तक नहीं पहुंच पाया। अपने वीडियो में यहां तक कहते हैं कि जब मैं बोगी में चढ़ा तो इतने पैसेंजर, उनसे मुझे टिकट मांगने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अगर मैं टिकट मांगता तो टिकट के एवज में सामने वो लोग शायद मुझसे सीट की डिमांड न कर देते। तो काफी ये वीडियो वायरल हो रहा है। और हाल में जिस तरह से लोकल, जिस तरह से मेल एक्सप्रेस ट्रेन में भीड़ हुई है, आपने देखा है। पिछले दिनों दिवाली के बाद छठ पूजा का एक विशेष महत्व होता है, और छठ पूजा में अपने घर जाने के लिए बिहार के निवासी सूरत से चढ़ते दो यात्री ट्रेन में भीड़ के कारण गिरकर मर गए थे। ये हालात अभी हाल ही में सामने आए थे। आपको याद होगा, मैंने अपने चैनल पर भी कुछ वीडियो ट्रेन से संबंधित, मैंने खुद अभी हाल में राजस्थान की यात्रा की थी, और वहां यात्रा के दौरान जो कुछ घटित हुआ वो मैंने अलग अलग चैनल, अलग अलग वीडियो के माध्यम से अपने चैनल पर डाला है। एक वीडियो जब हम राजस्थान से रिटर्न लौट रहे थे, तो किस तरह से ट्रेन में दो गुटों में झगड़ा होता है, मारपीट होती है, उसके बाद में चाकूबाजी तक होती है, उसका भी मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला था। और इन सब घटनाओं के पीछे कारण महज और महज केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। कुछ लोग ये तर्क करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके लिए इतनी भीड़ बढ़ रही है। ये तर्क बराबर है, ये तर्क गलत नहीं है, लेकिन इस तर्क का यह जवाब है कि अगर जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी है सरकार की। सरकार को सुविधाएं देनी चाहिए, जिसका उलट सुविधाएं खत्म की जा रही है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जहां एक समय में 10-10 स्लीपर कोच होते थे, आज नया इकोनॉमी क्लास ऐड करने की वजह से स्लीपर कोच कम किए जा रहे हैं। और 2 महीना 3 महीना 4 महीना पहले टिकट बुक किए जाने वालों की टिकट भी लास्ट में जाकर वेटिंग रहती है और उनको असुविधा होती है। लेकिन केंद्र सरकार या रेलवे मंत्रालय पब्लिक की इस परेशानी पर किसी तरह की ध्यान नहीं दे रहा है। हम बात कर रहे थे जो टीटी की, उस टीटी के वायरल हो रहे वीडियो पर कई कमेंट्स भी आ रहे हैं, लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक यूजर है सदाशिव, जिन्होंने लिखा है, हर ट्रेन में स्लीपर और जनरल डब्बा काम कम किया जा रहा है और एसी कोच बढ़ाया जा रहा है। अभी तो शुरुआत है, गरीबों को रेल पर चढ़ना तो दूर, रेल को छूना भी दुर्बल होने वाला है भविष्य में। इन्होंने ऐसा लिखा है। अजित कुमार के नाम के यूजर ने, ये मजाक की बात नहीं है, ये समस्या पहले त्योहारों में हुआ करती थी, लेकिन आज आम दिन में भी सफर करना ट्रेन में मुश्किल हो रहा है। इन्होंने, अजित कुमार ने ये लिखा है।
प्रशांत गंगवाने नाम के एक यूजर लिख रहे हैं, सरकारें रोजगार का प्रयास नहीं करती और उत्तर भारत की जनता ढेर सारे बच्चे पैदा करने में दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति करती है। पूरे देश को मजदूर सप्लाई करने वाले उत्तर भारत को धन्यवाद। एक और यूजर लिखते हैं, तुम कुछ नहीं देखा है, देखे हम लोग 1988 से देखते आ रहे हैं। ट्रेन की छत पर जनवरी की ठंडी हो या जून की गर्मी, जितना भीड़ नीचे उतना ही छत पर एक इंच की जगह नहीं है। ये अपना दर्द बयां कर रहे कि 1988 से हम देखते आ रहे हैं, जितनी भीड़ अंदर उतनी ही छत के ऊपर भी ट्रेनों में पहले भी रहती थी और आज भी है। एक यूजर लिखते हैं, ऐसी भीड़ दिवाली में ही नहीं अब रोज की बात हो गई है। अगर मजबूरी में दिल्ली से बिहार की तरफ सफर करना पड़ता है तो डर लगता है, कोविड के बाद हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, आबादी दिनों दिन बढ़ रही है तो भीड़ बढ़ेगी ही, जैसा हमने आगे कहा था। तो ऐसे अलग अलग यूजर अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में जो टीटी ने कहा वो मैं आपको शब्द से शब्द सुना नहीं सकता हूं, चैनल पर कॉपीराइट का इश्यू है, लेकिन उन्होंने टीटी ने यही कहा। अंत में ज्यादा से ज्यादा टीटी ने एक कमेंट किया, वो कमेंट था भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। आपको याद होगा एक समय में रेलवे में टीटी का काम करते थे, टीटी की जॉब पर लग चुके थे, वो लगे थे हालांकि स्पोर्ट्स कोटे से ही, और बाद में फिर उन्होंने रेलवे के टीटी का नौकरी छोड़कर अपना फोकस पूरा का पूरा खेल पर किया और आगे कहां से कहां गए। तो ये टीटी जो जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कमेंट करते हुए, ये धोनी को कमेंट करते हुए कहा कि अच्छा हुआ आपने रेलवे छोड़ दी, नहीं तो आज हालात क्या होते शायद आप सहन नहीं कर पाते। तो ये तो बात थी रेलवे व्यवस्था की, जहां एक तरफ सरकार आम जनता के लिए व्यवस्था नहीं कर पा रही है, उसका दंश झेल रहे लोग अपनी व्यथा सुना रहे थे उसकी। इसके उलट दूसरी तरफ हम बात करें तो सरकार अपना चेहरा चमकाने में लगी है, जगह जगह पर करोड़ों रुपए बर्बाद किया जाकर विकसित संकल्प भारत यात्रा निकाली जा रही है, जिस यात्रा का कोई मायने नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मायने नहीं है, क्योंकि इसमें जो जो सेवाएं दी जाती है वो सेवाएं रोजमर्रा की हैं। आधार कार्ड अपडेशन हमेशा होता है, क्या उसके लिए विकसित भारत यात्रा निकाली जानी आवश्यक है? नहीं। साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की उस यात्रा में कैंप लगाए जा रहे हैं, तो आयुष्मान कार्ड खुद अब तक विवादों में है, क्योंकि कई लोग आयुष्मान कार्ड के पात्र ही नहीं बताए जाते हैं, जिसके पास अपना खुद का मोटरसाइकिल है वो पात्र नहीं है, जो राशन नहीं लेता है वो पात्र नहीं है, ऐसी कई उसमें अपात्रता की श्रेणियां है। उन अपात्रता की श्रेणियां को पार कर भी दिया जाए और कोई पात्र निकल भी जाए और उसका अगर आयुष्मान कार्ड बन भी जाता है, तब भी अक्सर अस्पताल आयुष्मान कार्ड को लेने से मना कर देते हैं। यह जमीनी हकीकत है, लोग बताते हैं और यह अनुभव है। वहीं साथ ही साथ इस विकसित संकल्प भारत यात्रा में हेल्थ चेकअप कैंप किया जा रहा है, उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर रोज सरकारी अस्पतालों में ओपीडी में लोग करवा सकते हैं। उज्ज्वला गैस बांटे जा रहे हैं, उसके लिए उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो आप सभी को बता दें, उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस कनेक्शन भारत सरकार भले ही मुफ्त दे रही है, लेकिन पहले भी कई करोड़ों गैस कनेक्शन बांटे थे, बाद में हालात ऐसे हुए, नौबत यह आई कि लोगों ने उन गैस सिलेंडर को घर में सजा के रखा, क्योंकि उस गैस सिलेंडर भराने का पैसा लोगों के पास नहीं था। आज भी जनसाधारण को 900 रुपए और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कुछ 700 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता है, जो हर एक जन सामान्य के लिए एक बड़ी रकम है। अब इतना सब तो कुछ सरकार कर रही है, इस भारत संकल्प यात्रा के नाम पर अपना प्रचार प्रसार कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार जो है, अभी बहुत जल्दी लोकसभा चुनाव होने हैं और उन चुनाव के मद्देनजर ये भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, ऐसा
साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इस भारत संकल्प यात्रा को लेकर भी जहां एक तरफ कई लोग इसको उत्सव की तरह मना रहे हैं, खास करके सरकार की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा इसको उत्सव की तरह मना रही है, तो वहीं विपक्षी लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां महाराष्ट्र के किसी क्षेत्र में एक डिगर पार्टी का पदाधिकारी वो उस भारत संकल्प यात्रा को अटकाते हुए दिखाई दे रहा है और खासकर उसकी आपत्ति यह है कि इस भारत संकल्प यात्रा में जो नाम लिखा जा रहा है मोदी सरकार, तो यह मोदी सरकार क्यों लिखा जा रहा है। वह सवाल करता है कि आप भारत देश के भारत सरकार के नुमाइंदे हैं या मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं। मोदी क्या एक व्यक्ति की यह सरकार है, यह सरकार है देश की, तो क्यों नहीं यहां भारत सरकार लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनाव है और चुनावी माहौल में जहां सत्ता पक्ष फिर से एक बार सत्ता में आने के लिए नए नए तरीके अपनाकर अपना प्रमोशन जरूर करना चाहेगी। देखिए ये वीडियो जो इस भारत संकल्प यात्रा में ये युवक किस तरह से इस यात्रा को अटका रहा है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। धन्यवाद। तो आमच्या हक्काचा मिळाला, आमच्यावर कुणाची काय मेहरबानी नाही, तो आमच्या हक्काचा आहे। काय आमच्या हक्काचं मिळणार आहे आम्हाला, या देशामध्ये जेवढं काही मिळणार आहे ते सगळं आमच्या मालकीचं आहे असं भारताच्या संविधानात समाजवाद सांगतोय। तो समाजवाद नावाचा शब्द असा आहे की हे लोकांच्या मालकीचं आहे, लोकांना मिळालं पाहिजे, समान मिळालं पाहिजे, हे भारताच्या संविधानानं दिलेलं आहे आम्हाला, ते कुणाची मेहरबानी नाही आहे। राबवण्यासाठी आम्ही देश तुमच्याकडे दिला आहे, विकण्यासाठी नाही आणि स्वतःचा प्रचार करण्यासाठी नाही आमच्या पैशातनं। आमची परत कळकळची विनंती आहे की इथं शब्द बदलले जावेत, मोदी सरकारच्या ऐवजी या ठिकाणी भारत सरकारची हमी असं म्हटलं गेलं जाय पाहिजे। आणि लक्षात घ्या, तुमच्या अधिकाऱ्यांनी आम्हाला विरोध केला नाही आहे, तुम्हाला तुमच्या हे ज्यावेळेला आम्ही बोलतोय त्यावेळेला प्रश्नाची उत्तरं अधिकाऱ्यांना देता आली नाहीत, हे वरिष्ठांचं नाव सांगत राहिले, पण आम्हाला विरोध करण्यासाठी हे भाजपची लोकं आलीत। कारण काय, आमच्या गावातले लोक ज्यावेळेला विरोध करतायत बोलतायत त्यावेळेला ही भाजपची दोन लोकं, कॅमेरा फिरवा यांच्याकडे, ही भाजपची दोन लोकं म्हणतायत आमची गाडी अडवली का, भाजपच्या बापाची गाडी आहे का, आणि दुसरी गोष्ट आम्हाला म्हणतात की त्यांच्यावर केस करा, ही तुमची जबाबदारी आहे ना। तुम्हाला जर अडचण वाटतंय, तुम्हाला जर अडचण वाटते, आमची मागणी हीच आहे की भाजपच्या नावानं चालणार नाही, भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी इथं हस्तक्षेप करायला चालणार नाही। अजून काही तुमच्या मागण्या? दुसरी गोष्ट, जी काही तुम्हाला योजना पोहोचवायची आहे ती गावामध्ये पोहोचवली गेली पाहिजे आणि सरकारी नावावर पोहोचवली पाहिजे। सरकारी खर्चात न करत असाल तर सरकारचाच प्रचार केला गेला पाहिजे, व्यक्तीचा प्रचार करणं शक्य नाही, व्यक्तीचा प्रचार करणं हे चुकीची गोष्ट आहे। इथं सेल्फी स्टँड उभे केले गेलेले आहेत मोदींचा प्रचार करण्यासाठी, हे आमच्या गावामध्ये चालणार नाही। तुमचा नंबर सांगा। माझं नाव राजवैभव शोभा रामचंद्र, संविधान अभ्यासक, संविधान संवादक म्हणून गेल्या महाराष्ट्रभर काम करतोय। आणि दुसरी गोष्ट, संविधानाच्या विरोधात ज्या ज्या यंत्रणा काम करतायत, संविधानाच्या विरोधात ज्या ज्या ठिकाणी लोक वागतायत, यंत्रणेमध्ये हस्तक्षेप करणं ही आमची जबाबदारी। संविधानातला आर्टिकल 51(k) पहिला मुद्दा जो संविधानाचा आदर करणं आणि हस्तक्षेप करणं हा महत्वाची भूमिका घेऊन हे आम्ही लोकांच्या पर्यंत पोहोचायचा प्रयत्न करतो। एफ न्यूज लाईव्ह को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बार कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।